हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको टेबल बुक पढ़ाएंगे, है ना। आप सभी के पास है और क्या कहते हैं, आज इस वीडियो में हम टेबल आपको पढ़ाएंगे। आप यहाँ देखेंगे मैं कैसे इसको रीड करती हूँ और आप ऐसे ही घर में टेबल्स को लर्न करेंगे। ओके, देखिए पेज नंबर 5, फाइव में है 1 to 5 टेबल्स है, ठीक है। और आज फिर उसको लर्न करेंगे क्योंकि टेबल अब आप यूकेजी क्लास में कंपलसरी है लर्न करना आपको। तो 1 day 2 टेबल्स आप ऑलरेडी लर्न ही लर्न करेंगे, है ना। जैसे कि आज 2 का हो गया, 3 का हो गया, तो कल आप 4 का 5 का करेंगे ऐसे। और आप रफ कॉपी में इन टेबल्स को लर्न करके राइट भी करेंगे ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपको टेबल लर्न भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊंगी ऐसे ही आप लर्न करना है इनको। ओके, पेज नंबर 5 में है 1 to 5 टेबल्स। देखिए 1 का टेबल है ये, यहाँ पर देखिए ये काउंटिंग 1 लिखी हुई है ना, जिसका टेबल है ये, है ना। किसका टेबल है ये 1 का टेबल है, इसलिए 1 1 समय है। और ये कितनी बार में होता है ये है, और कितना आएगा इन दोनों को करने पर, ये वो यहां पर है। जैसे कि बताती हूँ टेबल 1 में 1 1 जा 1, जो ये 1 है इसे 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा और 10 जा बोलेंगे। और टेबल किसका है ये 1 का, तो यहाँ पे 1 ही बोला जाएगा। ओके, तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9 और 1 10 जा 10। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ऐसे पेंसिल रख के बता रही हूँ, ऐसे करके तो आप ऐसे ही लर्न करेंगे क्योंकि तभी आप लर्न कर पाएंगे उनको, है ना। सीक्वेंस आराम से अच्छे से, अगर आप अदर्स लर्न करेंगे ऐसे तो आपको लर्न नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 1 1 जा है, 1 2 जा बारे बोलेंगे, 1 3 जा बारे बोलेंगे, 4 जा बारे बोलेंगे इसको, 5 जा बारे बोलेंगे, 6, है ना। इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए इसे क्या बोला जाएगा, इसे और इसे कैसे बोला जाएगा, इसलिए समझा रही हूँ मैं आपको। अब आइए 2 के टेबल पर आइए। देखिए अब मैं कैसे बोल समझाया मैंने आपको, देखिए अब 2 का टेबल समय 2 ही राइट होगा, है ना। अब देखिए कैसे 2 1 जा 2, है ना, मैंने बताया ना आपको इस तरह से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। जब को लर्न हो जाएगा तो अपने आप अपनी मदर से या फादर से ऐसे बुलवाना कि पापा मुझसे या मम्मी आप मुझसे ऐसे पूछो 2 1 जा, तो आप बोलोगे 2, आप बोलना, आपको बोलना 2, वो सिर्फ ऐसे बोलेंगे 2 2 जा बताओ ना, तो आप बोलोगे 4, 2 3 जा तो आप बोलोगे 6, 2 4 जा 8, 2 4 2 5 जा 10, तो आपको ये कंफर्म होगा कि आपको लर्न हो रहा है टेबल, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे आप इसको। अब देखिए 3 पर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। ओके, इस तरह से 4 का देखिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। ओके, आज मैं आपको 1 2 1 2 4 टेबल ही आपको लर्न करने को कह रही हूँ, आप इसको लर्न करेंगे। और मैंने आपसे कहा कि आप पेंसिल को रखकर ही करेंगे इस तरह से, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप 1 जा का कितनी बार में आ रहा है, 2 2 जा बार में कितने क्या आ रहा है, 3 जा बार में क्या आ रहा है, ऐसे नहीं बोल रही हूँ ना, ऐसे बोल रही हूँ ना मैं, 2 1 जा बार में कितना आ रहा है ना, 3 2 जा बार में कितना आ रहा है, और 3 3 जा बार में कितना आ रहा है, आपको चीज कन्फर्म होनी चाहिए, है ना। पता नहीं आप गलत बोल जाओ, 1 1 जा 1 4 जा बोल जाओ, ये सीक्वेंस से बोलना आपको, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा, आप ऐसे बोलेंगे तो आपको ऑलरेडी इस तरह से टेबल्स लर्न हो जाएंगे सारे, ठीक है। आप इसको घर में आराम से बुक रखकर के सामने रिवाइज कीजिएगा, है ना, 5 टाइम घर में आप इसको पढ़िएगा, रीड कीजिएगा एक टेबल को 5 टाइम,
आपको ऑलरेडी टेबल लर्न हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमसे आप पूछ सकते हैं इसके बारे में, हम आपको फिर से बताएंगे। आज के लिए इतना, ओके।